यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संदर्भ में हम लोग आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेल कूद के प्रश्न लेकर आए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, तो देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था। टोक्यो 2020 पदक तालिका में भारत का 1 स्वर्ण 2004 कांस्य एवं 48वें स्थान पर रहा। पदक तालिका में पहले स्थान पर अमेरिका तथा दूसरे स्थान पर चीन रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रारंभिक भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर नीरज चोपड़ा है और मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में कांस्य एवं बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य तथा पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर है पेरिस। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में का आयोजन वर्ष 2024 में पेरिस के फ्रांस में किया जाएगा। लॉस एंजलिस अमेरिका में 34वें ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, जबकि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 2016 में 31वें ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, इस वर्ष टुगेदर जोड़ा गया है। इस ओलंपिक से पूर्व फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर मोटो वाक्य था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ मिराई तोवा फ्यूचर एटर्निटी द्वारा किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोवा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो वह मनप्रीत सिंह एवं एमसी मैरी कॉम थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो वह टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक प्राप्त किए हैं एवं टोक्यो ओलंपिक के उसमें भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 48वें स्थान पर था। और भारत ने कुल 19 पदक प्राप्त किए हैं पैरा ओलंपिक में, जिसमें 5 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 6 कांस्य हैं। तो कुल मिलाकर 19 पदक प्राप्त किए। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समारोह में ध्वजवाहक थे, तो वह थे अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जो कि टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे, वह थे अवनी लखेरा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए।